अपने चैनल पर हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। हर रोज एक नई कहानी को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कहानी को मुकम्मल सुनें। मेरी बीवी बहुत कम उम्र थी, सिर्फ 12 साल की। मैं इससे काफ़ी बड़ा था। हैरत की बात यह थी कि मेरी बीवी को सब तकाजों का इल्म था, वो सब कुछ जानती थी। लेकिन इससे भी हैरत की बात यह थी कि वो मुझे शादी के बाद करीब नहीं आने देती थी। कहती 7 दिन मुझसे दूर रहो, फिर जो मर्जी करना। पहले 2-3 दिन तो बर्दाश्त किया, फिर मैं इसके करीब हुआ अपने हक के लिए, लेकिन मेरे तो होश ही उड़ गए। क्योंकि मेरी बीवी तो पहले से ही अब्बा के दोस्त अली शेर खान इस रोज़ बड़े पन ठन कर अपनी दोनों बेगमात और बेटियों के साथ हमारे घर आए। इनको मैं काफ़ी अरसे से देख रहा था। अब्बा की और इनकी जोड़ी तो मिसाली जोड़ी मानी जाती थी, लेकिन इस रोज़ वो जब घर से गए तो एक बहुत बड़ा धमाका कर गए थे। वो अपनी कम उम्र 12 साल लड़की के लिए मेरा रिश्ता मांगने आए थे, और हैरत की बात यह थी कि अब्बा ने मुझसे पूछे बगैर उनको हाँ भी कर दी थी। मैं तो हैरान था कि अब्बा मेरी शादी इतनी कम उम्र लड़की के साथ आखिर कैसे करने की हामी भर सकते थे। मैंने अब्बा के आगे इहतजाज किया तो कहने लगे, खान लोग इस्लाम पर बहुत ज़्यादा अमल करते हैं। जैसे पहले ज़माने में होता था कि बेटी के जवान होते वो लोग इसकी शादी कर देते थे, वैसे ही ये लोग भी करते हैं। इसकी बेटी अब जवानी की दहलीज पर कदम रख चुकी है, इसलिए वो जल्द अज जल्द इसकी शादी कर देना चाहते हैं। फिर मेरी अब्बा के सामने ना चली और बिलाखर जीत उनकी हुई। मेरी शादी इस कम उम्र 12 साल लड़की से कर दी गई थी, जिसको शायद शादी का मतलब भी पता नहीं था। मैं यही सब सोचकर पागल हुआ जा रहा था। भला मैं कमरे में जाकर इस कम उम्र लड़की से क्या कहता, मैं कुछ कह सकता था क्या? बस इसे गुड़िया दिलाने की कसर रह गई थी, और लग रहा था कल वो भी पूरी होने वाली थी। लेकिन मैं नहीं जानता था कि मैं जो इसे इतना मासूम और शरीफ समझ रहा था वो क्या निकलने वाली थी। भोली सी सूरत के पीछे कितना बड़ा राज छुपा हुआ था, मैं इस बात से बेखबर था। बिलाखिर मुझे कमरे में तो जाना ही था, इसलिए मैंने एक गहरा सांस लिया और आहिस्ता से दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ, जहाँ वो दुल्हन बनी मेरे बिस्तर पर बैठी मेरा इंतज़ार कर रही थी। जैसे मैं इसका घूंघट उठाते ही उसके मन पसंद खिलौने दिलाने वाला हूँ। लेकिन मेरे ख्यालों को ब्रेक तो उसकी आवाज़ पर लगी। हाँ, इसकी आवाज़ बड़ी प्यारी थी, मधुर सी लेकिन हल्की सी अजीब भी थी। उसने अपनी हथेली आगे करके मुझसे मुंह दिखाई मांगी थी। मेरा दिल क्या अजीब सी गुदगुदी सी हुई थी मुझे। वो कम उम्र लड़की न जाने क्या सोचे बैठी थी। मैंने भी खामोशी से इसे अम्मा के दिए हुए कंगन पहना दिए और एक जगह टिक कर बैठ गया। अब समझ नहीं आ रही थी कि मैं इससे क्या बात करूं और कैसे करूं, जब वो खुद ही बोल पड़ी और मैं मुसलसल ही इसकी बातें सुनकर हैरान हुआ जा रहा था। और मेरी आंखें तो फटी की फटी रह गईं उसकी सब बातें सुनकर। उसका कहना था कि मुझे कम उम्र जानकर अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं आज की रात और हमारी शादी को खेल समझ रही हूं, तो आप गलती पर हैं। मैं सब कुछ जानती हूं, और इस रिश्ते के तकाजे भी। बेशक मैं कम उम्र हूं, लेकिन मेरी अम्मा ने मुझे सब कुछ समझा बुझा कर भेजा है, और मैं इस बारे में सब कुछ जानती हूँ, लेकिन मैं फ़िलहाल तैयार नहीं हूँ। मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। वो अपनी बात कहते हुए चुप हो गई। मैं अब हैरान हुआ था कि ऐसी कौन सी नई बात वो कहना चाहती है जिसके लिए इसे इतना सोचना पड़ रहा है। अभी तो इतनी बेबाकी से उसने कहा कि आज की रात के बारे में सब जानती हूँ। शायद वो अब मुझे खामोश देखकर झिझक रही थी, और मैं यकड़े के से देख रहा था कि वो क्या कह रही है। कम उम्र होने के बावजूद इस रिश्ते के बारे में सब कुछ जानती थी, आखिर ऐसा कैसे मुमकिन था। मैंने सवालिया नज़रों से इसको देखा तो वो घबरा रही थी। मैंने उसे कहा कि वो अपनी बात पूरी करे, और जो भी बात है दिल में वो सब मुझसे शेयर कर सकती है। मेरे इतने नर्म रवैये पर इसे थोड़ा सा हौसला हुआ तो अपनी बात कहने लगी, जिसे सुनकर मैं दंग रह गया। मेरी माथे की रगें फूलने लगी थी और थोड़ा बहुत गुस्सा भी आ रहा था, लेकिन वक्त का तकाजा था कि मुझे तहमल से काम लेना था, जो मैं इस वक्त ले रहा था। वो अपनी बात कहकर खामोश होकर बैठ गई थी, और मैं इसको अब घूर रहा था। मेरे इस अंदाज से शायद वो घबरा रही थी, तभी अपनी गोद में रखे हाथों को आपस में मसलने लगी और बीच बीच में मुझे भी नज़र उठाकर देख लेती थी। मैं इसकी सब हरकतें बड़ी तवज्जो से देख रहा था। वो मुझे 13 साल की नहीं लगी थी, क्योंकि इसकी बातें मुझे शक में डाल रही थी। उम्र तो इसकी 13 साल ही थी, लेकिन इसकी बातें, इसका यूँ घबराना, ये सब तो शादी के लायक लड़के की आदत होती है। इतनी कम उम्र में इतना सब कुछ मालूम हो जाना कुछ अजीब सी बात थी। मैं इसे घूरते हुए साथ साथ सोच भी रहा था कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, और मैं तो इसी शौक से निकल नहीं रहा था कि मेरी शादी एक कम सिन और कम उम्र लड़की से हुई है, और अब इसकी बातें मुझे अजीब से वसवसों में डाल रही थी।
मैं भी अब ज़हनी तौर पर डिस्टर्ब हो चुका था, मुझे सुकून चाहिए था, लेकिन इसकी बातें सुनकर मुझे यह सुकून भी बर्बाद होता दिखाई दे रहा था। मैंने अब इसे घूरना बंद किया और इसकी बात मानने की हामी भर ली। मेरे इतराज़ी होने पर इसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट आई थी। ये मुस्कुराहट खुशी की मुस्कुराहट नहीं, मुझे वो बड़ी पुरसरार लग रही थी। पता नहीं क्यों मुझे सब कुछ अजीब लग रहा था। मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा था कि मेरे साथ ये सब होगा। यूँ मेरी शादी अचानक से हो जाएगी और मेरी कम उम्र बीवी मुझे पहली ही रात अपने से दूर रहने की फजूल से बहाने बनाएगी। मैं नहीं जानता था कि इसकी बात मानकर मुझे क्या हासिल होगा, लेकिन इस वक्त मैं मान गया था। उसकी वो सब बातें मुझे माननी पड़ी जो कम सिन बीवी चाहती थी। मुझे इल्म ही ना हुआ कि मुझसे वो क्या करवाना चाह रही है, और मैं बेवकूफ़ी की तरह उसकी हर बात मान रहा था। शायद वो खूबसूरत और जवान थी, मैं इसे नाराज़ नहीं करना चाहता था, इसलिए इसकी बात मान गया था। मुझे पहले पहले इसकी बातें अजीब लगीं, लेकिन जब मैंने खुद ठंडे दिमाग से सोचा तो मुझे इसकी बातों में कोई कबाहत नज़र नहीं आई, बल्कि मुझे वो हक पर लग रही थी। और मैं समझ रहा था कि यूँ अचानक शादी हो जाने से वो मुझसे झिझक रही है और घबरा भी रही है। जैसे हर लड़की ही ऐसा महसूस करती है, मुझे भी वैसा ही लगा। और ये सब फितरी अमल है, आहिस्ता आहिस्ता वो सब कबूल कर लेगी। मैं खुद को दिलासे देकर पुरसकून कर हो रहा था कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन मेरे वहमोगुमान में नहीं था कि मेरे साथ इतना बड़ा धोखा होने वाला है जिससे मैं अब तक अनजान था। और पता नहीं कब तक वो मुझे पता ना लगता और मैं लाइल्म ही रहता। अगर वो दिन मेरी ज़िंदगी में ना आता तो शायद मैं कभी अपनी बीवी की सच्चाई नहीं जान सकता था। शादी की रात तक मुझे ज़रा सा भी अपनी कम से इन बीवी पर शक नहीं हुआ था, और ना ही ऐसी कोई इसकी हरकत मेरे सामने जाहिर हुई थी जिसकी बुनियाद पर मैं शक कर सकता। मेरी बीवी अब मेरी नज़रों से बहुत खाइफ लग रही थी, जैसे इसे सब पसंद ना आ रहा हो। लेकिन वो जानती थी कि मैं इसे देख तो रहा हूँ, लेकिन खुद दूर कई ख्यालों में गुम हूँ और मुसलसल इसी में गुम ही रहता। अगर मेरी बीवी कम से मुझे अपनी तरफ मुतवजो ना करती, मैं होश में आता इसको हैरान होकर देखने लगा जो मुझे एक काली चादर दे रही थी। मैंने हैरान होते हुए सवाली नजरों से उसे देखा। मेरी नज़रों का मतलब समझते ही वो मुझे तफसील समझाने लगी कि उसने चादर क्यों दी है। उसने कहा कि इसके बराबर में ही मैं सो जाऊं और 7 दिन तक मुझे ऐसा ही करना है। सिर्फ इतना ही नहीं, इसने मजीद ये भी कहा कि मैं इसको हाथ भी नहीं लगाऊँ और ना ही इस रिश्ते के तकाजे पूरे करने की कोशिश करूं। मैं हैरान होकर ये सब बातें सुन रहा था कि इतनी सी उम्र में वो सब कैसे जानती है, और अगर जानती भी थी तो हम दोनों निकाह में थे, फिर अजीब सी शर्त मेरे सामने क्यों रख रही थी। लेकिन वो मेरी पहली रात की दुल्हन थी, मैं पहली ही रात इसका कहना टाल नहीं सकता था। लेकिन मुझे अब कुछ गड़बड़ महसूस होने लगा था, लेकिन फिर भी मैंने इसकी बात मानते हुए वो चादर इससे ले ली और बेड पर लेट गया और वही चादर ओढ़ कर सोने की कोशिश करने लगा। मेरे जिस्म पर वो मुश्किल पूरी आ रही थी। मैंने सोचा सुबह किसी के आने से पहले चादर को वापस अलमारी में रख दूंगा। अगर कोई मुझे ये चादर लेकर सोता देखेगा तो न जाने क्या सोचे। इन्हीं सोचों में मुझे बहुत मुश्किल से नींद आई थी, और अब मैं बिला वजह सोचे जा रहा था कि तभी मेरी कम सेन बीवी खुशी खुशी बेड की दूसरी तरफ आकर लेट गई, और कुछ देर के बाद ही इसके हल्के खराटे कमरे में गूंजने लगे थे। मैंने इसे हैरान नज़रों से देखा जो मेरी नींद उड़ाकर अब खुद बड़े मज़े से नींद की वादियों में गुम थी। मुझे इस पर बहुत ही गुस्सा आ रहा था, और मैं इस वक्त खुद को बेबस सी महसूस कर रहा था, और वो थी ऐसी बेफिक्री से मज़े की नींद सो रही थी। मैं मुसलसल इसे देखता रहा और सोचों में गर्क रहा था, लेकिन मुझे कुछ समझ ना आ रहा था आखिर इसका ये सब करने के पीछे मकसद क्या था, जो कुछ कुछ दिनों बाद होना था। अगर वो आज हो जाता तो क्या कबाहत थी इसमें। मुझे अजीब सी बेसकूनी महसूस हो रही थी, और ये बेचैनी मुझे कुछ अलग ही अलग लग रही थी। मैं अपनी बीवी को घूर रहा था जिसने मुझे अजाब में डाल दिया था। भला शादी की रात को ऐसा कैसे कर सकता था। मुझे इसकी बात अब बेतुकी लग रही थी। खुद पर मुझे गुस्सा आ रहा था कि इसकी फजूल सी बात क्यों कर मानी। बहुत सी लड़कियों की कम उम्र में शादी होती है और वो कामयाब भी होती है, तो फिर मेरी बीवी क्यों मुझे इस रिश्ते को आगे बढ़ने से रोक रही थी, बल्कि वो इसमें काफ़ी हद तक कामयाब भी हो चुकी थी क्योंकि मैं इसे ज़ुबान दे चुका था। मगर अब मुकरना मुश्किल था। मैं बेड पर पड़ा अपनी हालत को कोस रहा था कि आखिर इसकी बात क्यों मानी। नींद थी कि आज की रात मुझ पर मेहरबान हो ही नहीं रही थी। मैं इन्हीं सोचों में गुम इसे देखने में मसरूफ था। बिलाशुबा वो बहुत ही खूबसूरत थी और बहुत ही मासूम भी लगती थी, लेकिन सिर्फ देखने की हद तक ही था। अपनी बातों की वजह से वो बड़ी उम्र की लगती थी। यूँ लगता था वो जैसे सब जानती है। अब तो मुझे यूँ लग रहा था कि ज़रूर दाल में कुछ काला है, इसके साथ ज़रूर कुछ हुआ है जिसकी वजह से इसको कम उम्र में ही मेरे सर डाल दिया गया। अगर मेरी अम्मा ने इसे इस रिश्ते के बारे में बताया है तो थोड़ा बहुत ही बताया होगा, लेकिन अब मैं मजबूर था अपनी बीवी की बात मानते हुए, क्योंकि अगर मैं ऐसा ना करता तो मेरी बीवी मुझ पर कभी एतबार ना करती, और मैं ऐसा नहीं चाहता था कि ऐसा हो। मैं चाहता था कि वो मुझ पर एतबार करे, मुझ पर भरोसा करे और मुझसे ही अपनी बातें शेयर करे।
इन सब के लिए उसका मुझ पर एतबार करना बहुत जरूरी था। सारी रात इन्हीं सोचों में गुजरी और सुबह मेरा सर दर्द से फटा जा रहा था। आंखें भी मुसलसल सारी रात जागने से लाल हो रही थी। मैं खुश था भी और नहीं भी। जैसे तैसे करके शादी की रात तो गुजर गई और मेरी बीवी बहुत खुश भी थी कि मैंने इसकी बात मानकर इसको हाथ नहीं लगाया, लेकिन अब मैं खुद डगमगा रहा था। अपने ही इरादे मुझे खतरनाक लग रहे थे। मुझे अपने आप पर शक होने लगा था कि मैं अपनी बात से ही मुकर ना जाऊं, क्योंकि इसकी चालाकियों से अभी तक नावाकिफ था मैं। मुझे बस अब शिद्दत से ये 7 दिन गुजरने का इंतजार था। इसके बाद मेरी बीवी मुझे क्या जवाब देती है, अब मैं बहुत ही बेचैन सा हो गया था। मुझे वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगने लगी थी। शायद इसकी वजह इसकी बेतहाशा खूबसूरती थी जो मुझे अपनी तरफ रागब कर रही थी। मुझे इसके अलावा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था और यूँ मेहमानों में ही दिन गुजर गया। दिन भर मैं सबके सवालों के जवाब दे देकर अब थक गया था। कोई जल्दी शादी होने की वजह पूछता तो कोई शादी से खुश होने का पूछता, कोई अजीब सी बातें करता कि छोटी बच्ची से शादी क्यों की। मैं अब तंग आ गया था ऐसी बातों से और अब मुझे गुस्सा भी आ रहा था। ऐसे में सबके सामने से उठ भी नहीं सकता था, लेकिन फिर भी मैं जब्त करते हुए सबको जवाब दे रहा था। मेरे वालिद साहब मुझे देखकर समझ गए थे कि मैं किस मुश्किल में हूँ। तब ही मुझे कमरे में भेज दिया और आराम करने को कहा और मैं शुक्र अदा करते हुए अपने कमरे में आ गया। मुझे खुद पर और बाबा पर भी गुस्सा आ रहा था जिन्होंने यूं ही मेरी शादी एक कम उम्र से करवा दी थी। सुबह से लेकर अब तक मुझे शर्मिंदगी सी महसूस हो रही थी, लेकिन मैं अपने अब्बा की वजह से मजबूर था। किसी सूरत भी इनको खफा नहीं कर सकता था। ऐसा नहीं था कि मैं किसी और को पसंद करता था, बल्कि मेरा ऐसा कोई चक्कर था नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं बहुत आम सा इंसान था, अपने आप में मगन रहने वाला। कभी पसंद की शादी की तरफ ध्यान ही नहीं गया था। यही वजह थी कि मैं इनकी बात इतनी आसानी से मान गया था और अब इस फैसले पर मुझे बेइंतहा गुस्सा आ रहा था। ये समझना मुश्किल था कि यह गुस्सा मेहमानों के सवालों का है या मेरी बीवी की कल रात की हरकत का है। इसी वक्त मेरी बीवी कमरे में आई और चुपचाप सोफे पर बैठ गई। अब वो मुझे कुछ परेशान लग रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे वो रोकर आई हो। मैं इसे काफ़ी गौर से देख रहा था। वो मेरी इस हरकत से बिल्कुल घबरा गई और जल्दी कमरे से निकल गई थी। मैं हैरान था कि इसे आखिर हुआ क्या था। कल तक तो बहुत बहादुर बन रही थी और आज यूँ चुपचाप उदासी थी। मुझे अब लग रहा था कि जैसे वो इस शादी से खुश नहीं है। ये सोच आते ही मुझे बेचैनी होने लगी थी। अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। फिर एक सोच जहन में आई कि रात को ही इससे पूछ लूँगा आखिर क्या वजह है जो वो इतना उदास थी। जैसे ही रात हुई मैं बेसब्री से इसका कमरे में आने का इंतजार करने लगा और जैसे ही वो कमरे में आई फिर मैंने आखिरकार इससे वजह पूछ ली, लेकिन इसकी बात ने मुझे काफ़ी मायूस किया था। आप फिलहाल मुझसे कुछ पूछकर मेरा मूड ख़राब ना करें। वो जवाब देने को दौड़ी थी। मुझे इससे ये उम्मीद नहीं थी कि वो मुझे ऐसा कुछ जवाब देगी। मैं हैरान होकर इसकी हरकत देख रहा था जो मुझे काफ़ी गुस्से में लग रही थी। वो मुझे बातें सुनाकर खुद सोने के लिए लेट गई थी और थोड़ी ही देर बाद वो गहरी नींद में सो चुकी थी। मैं हैरान परेशान अब तक इसकी बातों पर ही गौर कर रहा था कि आखिर वो मुझे ऐसा क्यों बोलकर सो गई है। उसका कहना था इसके मामलात से मैं दूर रहूं और इसके लिए फिक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है। मैं इसकी इस दर्जा बदतमीजी पर दंग रह गया था। अब तो मुझे पक्का शक हो गया था कि कुछ तो अजीब है जो हमसे छुपाया गया है। मुझे इसकी हरकतें अब मशकूक सी लग रही थी और फिर मैंने इस पर नज़र रखनी शुरू कर दी। मैं जानना चाहता था कि अब आखिर ऐसी क्या वजह है जो मेरी बीवी का रवैया इस तरह का हो गया है, वो भी शादी के दूसरे दिन ही। लेकिन हैरत तब ना रही जब मुझे कुछ भी ऐसा अजीब महसूस ना हुआ और ना ही मैंने ऐसा कुछ ऐसा वैसा करते देखा। मुझे अब उलझन सी होने लगी थी। एक तरफ इसका 7 दिन तक मुझे खुद से दूर रहने का नाटक और दूसरी तरफ इसकी सर्द मोहरी, मैं इन दोनों में ही फंस कर रह गया था। अब मुझे इस पर गुस्सा आने लगा था और अब मैंने सोच लिया था कि ये 7 दिन वाला खड़ाक आखिर क्यों डाला हुआ है। जब वो सब कुछ जानती है, इस रिश्ते के बारे में सब हकूक़ और फ़राइज़ जानती है, तो बिला वजह वो ये 7 दिन क्यों इंतज़ार करवाना चाहती है। मैंने ठान ली थी कि अब जो भी हो जाए मैं अब खुद को इसके करीब जाने से नहीं रोकने वाला था और ना ही इसकी ये फजूल बेतुकी सी बात मानने वाला था। मैं अब किसी भी कीमत पर अपने हक से गाफिल नहीं होना चाहता था। इसकी बात मानकर मुझे क्या सिला मिल रहा था। उसकी बदतमीज़ी, उसकी बदबानी, वैसे भी शादी को 2 दिन तक गुजर चुके थे। मैंने सोचा रात होते ही इसे सब कुछ बताकर अपना फैसला भी सुना दूंगा कि आखिर मैं क्या चाहता हूँ। लेकिन मुझे इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि इस रात को मेरे सामने मेरी बीवी की कौन सी सच्चाई आने वाली थी। मैं इन सबसे अनजान जैसे ही रात हुई और मेरी बीवी कमरे में आई, मैं अब हिम्मत करते हुए इसे बेड पर साथ बिठाकर सब कुछ कह दिया जिसे सुनकर इसकी हवाइयाँ उड़ चुकी थी। मैं अपने ही ध्यान में था, उसके चेहरे के तासुरात नोट नहीं कर सका और खामोशी से उसके बोलने का इंतजार करने लगा। जब वो कुछ ना बोली, बस खामोशी से दीवार को तकती रही, तो मैंने इसकी खामोशी को रजामंदी जानकर इसके करीब हुआ।
मुझे नहीं पता था कि ये रात मुझ पर भारी पड़ने वाली थी और बहुत ही भयानक सच्चाई मेरे सामने आने वाली थी। मैं जैसे ही अपने हक के लिए करीब हुआ तो मुझ पर कयामत टूट पड़ी। मैंने ऐसा ख्वाब में भी नहीं सोचा था। मेरे साथ ऐसा कुछ भी हो सकता है, मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था कि जो देखा क्या वो सच था या फिर मेरी नज़रों का धोखा था। मुझे इस वक्त कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं और क्या ना करूं। मुझे अपने बेवकूफ़ बनने पर बहुत गुस्सा आ रहा था। एक ख्याल आया कि सब कुछ तहस नहस कर दूँ। ऐसा कर भी लेता अगर मुझे अपनी बीवी के रोने की आवाज़ मुतवज्जो ना करती। मैं इसे सर्द नज़रों से घूर रहा था कि कैसे चालाकी से मुझे खुद से दूर रख कर अपनी असलियत छुपाई थी। मुझे खुद पर और इस पर बेइंतहा गुस्सा था। 3 दिन ही तो हमारी शादी को हुए थे, मैंने क्या क्या सोचा था और हुआ क्या था। इन 3 दिनों में मुझ पर क्या अजाब टूट पड़ा था। मैं किसी को कुछ बताने के लायक ही नहीं रहा था। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था मेरे साथ इतना बड़ा धोखा भी हो सकता है। मैं इसके पास से गुस्से में उठा और घर से निकल गया। मेरा इस वक्त किसी से भी बात करने का कोई मूड नहीं हो रहा था। दिल किया इसके मुँह पर 3 बोल बोल कर इसे अपनी ज़िंदगी से और घर से धक्के देकर निकाल दो। जिसने इतना बड़ा धोखा मेरे साथ किया था, और सिर्फ इसने ही नहीं, इसके घर वालों ने भी मुझे धोखे में रखा था। क्या अब्बा इन सब से वाकिफ थे? इन्हें अब्बा को अगर पता होता तो वो कभी होने देते बेटी की ज़िंदगी बर्बाद? मैं यूं ही बेमकसद सड़कों पर घूमता रहा और अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश करता रहा। मैंने अपने ससुर से ही 2 टोक बात करने का सोचा। अपने आप पर काबू पाते हुए अपने ससुर के घर चला गया और जाते ही ससुर से अकेले में बात करने की फरमाइश की। ससुर मेरे तेवर देखकर समझ गए थे कि मैं काफ़ी हद तक सच जान चुका हूँ और वो मेरी बीवी थी। आखिर ये सच कब तक मुझसे छुपा रह सकता था? एक ना एक दिन तो ये सच मेरे सामने आना ही था, लेकिन इनके तासरात देखकर लग रहा था कि इनको ये सच इतनी जल्दी बाहर आने की उम्मीद ना थी। शायद उन्होंने ही अपनी बेटी को समझाया होगा। मैंने कोई भी लगी लिपटी रखे बगैर इनसे सच बताने की दरख्वास्त की। मेरी बात सुनते वो सर झुकाते मुझे हकीकत बताने लगे कि इनके घर एक ट्रांसजेंडर ख्वाजा सरा पैदा हुआ था, जिससे इनको नफरत सी होने लगी थी, लेकिन चाह कर भी वो अपने बच्चे से नफरत नहीं कर पाए थे और अपने सीने से लगा कर रखते थे। इनका कहना था कि वो इसे घर घर नाचता हुआ नहीं देख सकते, इसीलिए उन्होंने ये सच अपने घर में भी किसी को ना पता लगने दिया। और इससे पहले इनकी बेटी अपनी दोस्तों की बातों में आकर इनको सब सच बता देती, उन्होंने इसकी जल्द शादी का फैसला किया। वो बहुत मजबूर थे। इनका कहना था कि वो मुझे जानते थे कि एक बार अगर मेरी शादी इनकी बेटी से हो गई तो हम इज्जत रखने के लिए भी इसका ये राज किसी पर आया नहीं करेंगे। मुझे गुस्सा तो बहुत आया था, लेकिन वो एक मजबूर बाप थे। उनकी जगह अगर मैं होता तो मैं भी शायद यही करता। उन्होंने कहा कि वो दुपट्टा तो बस एक बहाना था और चाहते थे कि बस कैसे भी एक हफ्ता गुजर जाए, ताकि बाद में कुछ कहूँ भी तो कोई मेरी बात का यकीन ना करे। इनकी बातें सुनकर मैं खामोश रहा। मैं इनकी मजबूरी समझ चुका था। मुझे अपनी बीवी की सच्चाई जानकर दुख तो बहुत हुआ था, लेकिन अब मैंने फैसला कर लिया था कि मैं ये राज कभी किसी को नहीं बताऊँगा। इसे बंद कमरे में ना सही, लेकिन घर और दुनिया वालों के सामने तो सर उठाकर इज्जत की ज़िंदगी जीने दे सकता हूँ। मैंने सोच लिया था ये राज मैं अपने दिल के अंदर महफूज रखूँगा। मैंने इनको दिलासा दे दिया और वहाँ से जाना चाहा। मेरे ससुर मेरे इस फैसले पर बहुत खुश हुए थे और मेरे एहसानमंद भी थे, लेकिन मैंने ये फैसला किसी दबाव में आकर नहीं किया था, तर्स खाकर ना किया, बल्कि वो इन दोनों में ही वो मुझे बहुत अपनी अपनी लगने लगी थी, तो मैं ऐसे कैसे सड़कों और महफिलों में नाचने गाने के लिए छोड़ देता। वो मेरी बीवी थी और ये फैसला मैंने अपने दिल के कहने पर किया था, क्योंकि मुझे अपनी कमसन बीवी से मोहब्बत हो चुकी थी। कुछ अरसे बाद मैंने उसके कहने पर दूसरी शादी कर ली। देर से करता या जल्दी, ये सब करना तो था ही, वरना सब लोग इसे बांझ का ताना देने लग जाते, जो कि मैं नहीं चाहता था। मेरे इस फैसले से मेरी बीवी खुश थी। मैं अपनी दूसरी बीवी को पहली बीवी के बारे में कुछ ना बताया। इसका राज बस मेरे और उसकी ज़ात तक ही महदूद था। दूसरी बीवी भी अल्लाह के फजल से अच्छे अखलाक वाली थी। मैंने दोनों में बराबरी का सलूक रखा हुआ था। दोनों बीवियों के लिए इनके मखसूस दिन मुकर्रर कर दिए थे, ताकि किसी के हक में भी दूसरे की हक तलफी ना हो सके। मेरी दूसरी बीवी से मेरे 3 बच्चे थे, जो मेरी पहली बीवी को छोटी अम्मी कहकर बुलाते थे। दोनों ने कभी बच्चों को लेकर झगड़ा ना किया। वो दोनों बच्चों के संग खुश थी और मैं होने वाले फैसले पर मुतमईन था। मैं अपने रब का जितना शुक्र करता कम था। मेरी पहली बीवी इन बच्चों को अपने बच्चों की तरह प्यार करती और बच्चे भी इससे काफ़ी मानूस हो चुके थे। आज तक मेरी बीवी का राज मेरे दिल के अंदर दफन है, जो मेरे ससुर, मेरी बीवी और मेरे अलावा कोई नहीं जानता। अगर किसी की जिस्मानी तौर पर नामुकम्मल है और कोई मुकम्मल नहीं, तो इसमें हमारा कोई हाथ नहीं। ये सब अल्लाह की तख्लीक है। हमें कोई हक नहीं कि हम किसी के पूरे इंसान होने या ज़ाहरी शक्ल सूरत पर तबसरा करें, लोगों की दिल आज़ारी करें। अक्सर गोरे लोगों से सांवले लोगों के
दिल ज्यादा हसास और प्यारे होते हैं, इसलिए किसी की जिसामत को देखकर या इनसे मोहब्बत ना करें बल्कि इनके अखलाक को देखें। जो लोगों की कमजोरी का फायदा उठाते हैं या मजाक बनाते हैं वो याद रखें, वकाफत अमल की चक्की जब चलती है तो इंसान टूट कर बिखर जाता है और फिर वो इस इंसान के अमाल होते हैं कि इसे संभालने वाला अल्लाह के सिवा कोई नहीं होता। शादी की पहली रात मुझे अपनी बीवी की बात मानने के बजाय इससे ज़बरदस्ती अपना हक वसूल लेना चाहिए था, या मैंने इसकी ख्वाहिश का एहतराम करके सही किया। जब मुझे बीवी की हकीकत पता चली मुझे इसी वक्त इसे तलाक देकर इसके घर छोड़ देना चाहिए था, या जो मैंने किया वो सही था। ये थर्ड जेंडर भी किसी अजियत से गुजरती होगी तो क्या मैं इसका एहसास ना करता।